गोवा जा रहे क्रूज पर एनसीबी का छापा। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। शाहरुख खान के बेटे का मोबाइल जब्त, इस वक्त की बड़ी खबर। आर्यन खान से एनसीबी कर रही पूछताछ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, गोवा जा रहे क्रूज पर एनसीबी का छापा। मुंबई से बड़ी खबर, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। शाहरुख खान के बेटे का मोबाइल जब्त, इस वक्त की बड़ी खबर। आर्यन खान से एनसीबी कर रही पूछताछ। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां गोवा जा रहे क्रूज पर एनसीबी ने ड्रग्स बरामद किया है। भारी मात्रा में ड्रग्स को बरामद किया गया है। शाहरुख खान के बेटे का मोबाइल जब्त कर लिया गया है एनसीबी द्वारा। आर्यन खान से पूछताछ जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुंबई से बता रहे हैं। आपको बता दें कि ये इनपुट मिला था एनसीबी को कि क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने वाली है, जिसका फायदा उठाया एनसीबी ने और यात्री बनकर क्रूज पर सवार हुए। और बीच रात जब रास्ते में क्रूज रुका तो वहां पर पार्टी शुरू हुई और एनसीबी ने रंगे हाथों सभी आरोपियों को पकड़ा, जिसमें से एक शाहरुख खान के बेटे को भी पकड़ा गया है। आपको बता दें एनसीबी की पूछताछ हो रही है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा है, पूछताछ हो रही है, तो अब किस तरफ ये रुख जाएगा, इसकी ये जो जांच होगी इसका मोड़ क्या होगा? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती, सुशांत के केस में रिया चक्रवर्ती का नाम आया, और उसके बाद सुशांत के केस में रिया चक्रवर्ती जिस तरह से उनके ड्रग कनेक्शन सामने आया और पूरा बॉलीवुड ड्रग के माफियाओं के चंगुल में फंसा, और जैसे एनसीबी ने जांच करके तमाम फिल्म स्टार्स को सम्मन पकड़ाया और कई लोग उसमें जेल भी गए और इस तरह के ड्रग्स कनेक्शन सामने आए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस तरह से शाहरुख खान के सुपुत्र इस कांड में पकड़े गए हैं, आर्यन खान जिनका नाम है जी, तो ये एक बड़ी घटना है। और मतलब शाहरुख खान एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। शाहरुख खान को भारत की जनता ने सर आंखों पर बिठाया है, और अमिताभ बच्चन के बाद जिनको बिग बी का दोहरा प्राप्त है, उनके बाद अगर कोई फिल्म स्टार का नाम आता है तो वो शाहरुख खान, सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक प्रसिद्ध फिल्म स्टार। और उन्होंने जिस तरह, उनके सुपुत्र अगर इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, तो जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं और एनसीबी की जांच में जिस तरह से है, तो वो इनके नाम को डुबाने का, इनके फेम को डुबाने का, इसका असर इनकी आगे की फिल्मों पर पड़ेगा और जनमानस इनकी फिल्मों का बहिष्कार करेगा और ये तमाम चीजें होंगी। और शाहरुख खान वैसे भी विवादों में रहते हैं, आए दिन वो कहते हैं कि इंडिया में ठीक स्थिति नहीं है, वो पाकिस्तान की बातें करते हैं, पाकिस्तान की परस्ती की बातें करते हैं कि यहाँ इंडिया में माहौल ठीक नहीं है। ये सब चीजें भी ठीक नहीं है, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। कोरोना काल की अगर आप बात करें तो शाहरुख खान ने क्या क्या मदद की देश की जनता को या देश के लोगों के लिए? कुछ नहीं किया। और आज उनके सुपुत्र ये पंकज जी, किंग खान की फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, काफी युवा किंग खान को, शाहरुख खान को पसंद करते हैं, उनके फैन, उनके बेटे द्वारा इस तरह का कृत्य करा गया, बल्कि कुछ करा तो नहीं गया, अभी कुछ ऐसा सामने नहीं आया, लेकिन वो इस मामले में पकड़े गए हैं, तो युवाओं के बीच कैसा मैसेज जाएगा और क्या असर पड़ेगा किंग खान के फैंस पे? देखिए, एक बात समझ लीजिए, शाहरुख खान का युवाओं के आइकन कहे जाते हैं। इतनी 50 साल के ऊपर की उम्र होने के बावजूद भी उनकी युवाओं में शाहरुख खान की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। और आज मन्नत, उनका जो घर है मन्नत बॉम्बे में, वहां पर लोग अगर बॉम्बे जाते हैं और जो बॉम्बे के निवासी हैं वो वहां जाके टकटकी लगाए खड़े रहते हैं कि शाहरुख खान कब बरांडे में आए घर की बालकनी में और उनका विवाद, पब्लिक का अभिवादन करें। इसके लिए ये उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है और युवाओं के आइकन है। लेकिन उनके सुपुत्र जो कि एक युवा हैं और जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया है, तो इस तरह की चीजें क्षम्य अपराध नहीं है, ये अक्षम्य अपराध है और इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनको सलाखों के पीछे आना चाहिए। अगर जांच में वो सब चीजें सही पाई जाती हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उससे ये एक ये चीज परिलक्षित होगी कि जिस तरह से एक छोटे घर का व्यक्ति अगर किसी इस तरह के कृत्य में, अवांछनीय गतिविधियों में पकड़ा जाता है, तो और बड़े घर का भी व्यक्ति अगर ये के भी पुत्र या बड़े घर के बच्चे इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, तो कानून सबके लिए बराबर है, कानून का डंडा सबके लिए बराबर है, उसकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और युवाओं में तो निश्चित समझ लीजिए कि अभी आप देखिएगा तमाम फेसबुक और यूट्यूब पे इसके तमाम चीजें चलने लगेंगी, तो इसकी भर्त्सना सभी को करनी चाहिए और हम लोग भी इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। जी पंकज जी, शाहरुख खान के लिए कितनी कठिन परिस्थिति है, क्योंकि जिस तरह से अगर वो अपने बेटे को बचाते हैं तो फैंस के नजरों में बुरे बन जाएंगे, लेकिन एक पिता होकर वो अपने बेटे को जरूर बचाएंगे, तो आखिर उनके लिए ये कैसी स्थिति है?
देखिए शाहरुख खान के लिए ये बहुत कठिन परिस्थिति का दौर है, और बच्चों ने किन परिस्थितियों में, किस पुत्र ने किन परिस्थितियों में ये काम करने की कोशिश की, ये भी एक सोचनीय प्रश्न है। और उनको और उनकी पत्नी गौरी खान को इस बारे में आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि आखिर उनके परवरिश में और उनकी चीजों में क्या कमी थी कि उनके सुपुत्र को इस तरह का कृत्य करने की आवश्यकता पड़ी, जो कि हजारों हजार कई हजार करोड़ के स्वामी हैं संपत्तियों के, और उससे तो उसके परिवार के लोग अगर इस तरह का कृत्य कर रहे हैं तो ये उनको भी आत्मचिंतन की जरूरत है कि ये उनके लिए एक बहुत कठिन दौर का समय। लेकिन अब कानून तो अपना काम करेगा ही, कानून तो छोड़ेगा नहीं, सीधी सी बात, अगर उनकी संलिप्तता उजागर होती है तो कानून तो उसको छोड़ेगा नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। बिल्कुल जी। पंकज जी, आर्यन खान के फ्यूचर पे कितना असर पड़ेगा इस मामले का, क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है स्टार किड्स को बड़े बड़े डायरेक्टर लॉन्च करते हैं, तो क्या कुछ असर पड़ सकता है? देखिए उनके फ्यूचर पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और आप अभी आज ये चीज घटना उजागर हुई है, अभी तमाम न्यूज चैनल चाहे राष्ट्रीय स्तर के चाहे क्षेत्रीय स्तर के और जितने भी हैं तमाम पूरे देश के चैनल इसको प्रचार और प्रसारित करेंगे। और दूसरी चीज है कि प्रिंट मीडिया जो एक बहुत बड़ा मीडिया है पूरे देश में, बहुत अखबार पब्लिश होते हैं, वो सारे अखबार चाहे बॉम्बे का हो, चाहे जो आर्थिक नगरी है, चाहे पूरे उत्तर भारत हो, चाहे जहां भी, पूरे इंडिया के न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया इसको प्रमुखता से प्रकाशित करेगा, तो इससे इनकी छवि बहुत ज्यादा धूमिल होगी। तो ये समझिए कि इनके जो आगे का भविष्य है वो बहुत अंधकारमय है, और पब्लिक इन चीजों को पसंद नहीं करती, ये देश विरोधी गतिविधियां, देश विरोधी गतिविधियों को कोई भी माफ नहीं करता है। आप निश्चित मान के चलिए कि इनके आगे के भविष्य में बहुत ही अंधकारमय है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जुड़े थे। जिस तरीके का ये मामला सामने आया ये काफी गंभीर है, और ये भी देखने वाली बात है कि युवा किस तरफ जा रहे हैं, किस ओर मुड़ रहे हैं। और शाहरुख खान के बेटे का मोबाइल जब्त कर लिया है, आर्यन खान से एनसीबी पूछताछ कर रही है और अब आगे की कार्यवाही में भी जुटी है। आपको बता दें कि गोवा जा रहे क्रूज पर एनसीबी ने छापा मारा है और भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया है, और इस पार्टी में आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं वो भी मौजूद थे, जिन्हें एनसीबी ने अपने पास लेकर आई, पकड़ के और पूछताछ कर रही है। तो तमाम जानकारी एकत्र कर रही है, साथ ही मोबाइल भी जब्त कर